अंडर फोर गुड मॉर्निंग टुडे विल रीड द जेनरल नॉलेज बुक दैट इज जेनियस सो प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर टेन अंडर सो ना दिस इज द बुक पेज नंबर टेन एडवेंचरस स्पोर्ट्स द टॉपिक इज एडवेंचरस स्पोर्ट्स सो सोन बिलो आर सम एडवेंचरस स्पोर्ट्स चूज द करेक्ट कलेक्टिव नेम ऑफ द स्पोर्ट्स मेनस इन द

मोटर क्रश वो क्या होता है कि ये जो स्केटिंग गो काटिंग होता है और रोलर होता है स्केटिंग होता है मोटर क्रस होता है ये, ये खेल क्या होता है इसमें सब जो खिलाड़ी है वो सब सब हेलमेट पहन के और इसका जो है ना जो साइड मार के ये सब बहुत स्पीड में जाते हैं एक क्या होता है ना मोटर क्रॉस एक मोटर दूसरे को क्रॉस करके जाता है तो स्पीड पे जाता है तो जा के बाद वो जहाँ पहुँचना है वो पहुँच सकते हैं वो विनिंग पोस्ट पर पहुँच के वो विन करता है तो जो नहीं पहुँचते हैं वो तो डिफॉल्ट हो जाते हैं तो इसका क्या होता है इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है क्या ना व्हील्ड स्पोर्ट्स अंडरस्टूड व्हील्ड स्पोर्ट्स तो नंबर टू इज़ कंप्लीट सो यू कम टू द नंबर थ्री स्काई डाइविंग विंग शूट फ्लाइंग पारा लिग सो ये क्या होता है ये जो पाराशूट में जो जो घूमता है एरोप्लेन से निकलता है वो उसी टाइप का एक गेम है इसमें क्या होता है इसमें क्या एरो स्पोर्ट्स बोलते हैं इनको क्योंकि एयर में वो स्पोर्ट्स और गेम खेलता है तो ये है एरो स्पोर्ट्स है समझ गया तो नंबर फोर स्कीइंग स्नो बोर्डिंग बबसल्ड रेसिंग वो क्या होता है वो आइस में सब घूमता है आइस में जो स्टिक पकड़ के जो स्पीड में जाता है वो स्कीइंग uh, बोलता है स्नो बोर्डिंग कहते हैं बबसील्ड रेसिंग कहता है तो क्या होता है इस वो इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है आइस स्पोर्ट्स क्योंकि ये सब आइस के ऊपर खेल खेल जाती है समझता है कि नहीं तो फिर हम आप आइए जब पाँच नंबर को पाँच नंबर क्या होता है पाँच नंबर क्या होता है क्या होता है पाँच नंबर कहाँ है पाँच नंबर कहाँ है ये है पाँच नंबर रॉक क्लाइंबिंग माउंटेन बाइकिंग और ट्रेकिंग इसका मतलब क्या होता है ये जो माउंटेन चढ़ना है रॉक रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन को चढ़ना है और इसके ऊपर बाइक चलाता चलाना है ये इसको ट्रेकिंग भी कहते हैं तो इसका क्या होता है इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है हील स्पोर्ट्स समझ गया स्काई स्पोर्ट्स एरो स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स हिल स्पोर्ट्स हुईल स्पोर्ट्स आइस स्पोर्ट्स तो इसके बाद क्या आता है इसके बाद आता है नंबर ड्रेसेज हार्नेस रेसिंग पोलो ये सब पोलो का है एक घोड़ा है घोड़े के ऊपर जो प्लेयर बैठ के ये सब खेल खेलता है इसका नाम क्या क्या होता है इसका नाम होता है इक्स्ट्रेन स्पोर्ट्स इक्स्ट्रेन स्पोर्ट्स समझ गया कि नहीं स्पोर्ट्स सो so, ये सब खेल है ये जो सब एडवेंचरस खेल है वो ये ऐसे नहीं है कि बहुत परेशान इसमें होता है डेंजर होता है लाइफ रिस्क होता है समझ गया है कि नहीं तो ये सब खेल खेलने के लिए आपको बहुत परेशान करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सब खेल बहुत दिमाग लगा के खेलना होता है तो ये, क्योंकि ये वो इसमें रिस्क होता है लाइफ रिस्क होता है तो ठीक है बच्चों लोग हम तो इसका पढ़ाई किए हैं एडवेंचर आड़, स्पोर्ट्स अगर आप चाहता है इसी स्पोर्ट्स के ज़रिए आप खेल सकते हैं आप भी कर सकते हैं आप भी किताब मंगा के इसका क्या रूल्स रेगुलेशन है आप देख सकते हैं नहीं तो नेट में देख सकते हैं तो हैव ए नाइस डे मच थैंक यू यू हैव टू रिम्बर दिस दिस एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड इफ़ यू विल थिंक एंड जज वन ऑफ इट टू